भारतातील रिअल इस्टेट मधील अग्रगण्य ग्रुप स्वामीनारायण ग्रुप. ग्राहकांच्या गरजा, इच्छा आणि मागणी लक्षात घेऊन दर्जेदार प्रकल्प साकारणं हे प्रांजळ उद्दिष्ट ठेवून 2006 साली या ग्रुपची स्थापना झाली. परवडण्याजोगी दर्जेदार जीवनशैली देणाऱ्या स्वामीनारायण समूहाने आजपर्यंत देशभरात अनेक लॅविश प्रोजेक्ट साकारले आहेत. रेसिडेन्शियल तसंच कमर्शियल श्रेणीत वैविध्यपूर्ण प्रकल्प साकारणाऱ्या स्वामीनारायण ग्रुपने जागतिक दर्जाच्या सुविधासह सर्वोत्तम घरच्या रचना केल्या आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांच्या जीवनशैलीची गुणवत्ता वाढवून मंत्रमुग्ध करणारा अनुभव ते आयुष्यभर घेऊ शकतात. आजपर्यंतच्या प्रवासात स्वामीनारायण ग्रुपच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारा प्रोजेक्ट म्हणजे स्वामीनारायण सिटी नियो ठाणे. सामुदायिक राहणीमानाची संस्कृती अंगीकारून सर्वसामान्यांचं जीवन आकर्षक करणं हा या प्रोजेक्ट मागचा मूळ हेतू असून निसर्गाच्या स्पर्शाने वेढलेला हा प्रकल्प जागतिक दर्जाच्या सुविधांसह सर्वोत्तम घराच्या रचना शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी पर्वणीच ठरेल. डोंबिवली वेस्ट मधील स्वामीनारायण सिटी नियो ठाणे हा प्रकल्प उत्कृष्ट लोकेशन निवडून सखोल नियोजन करून वास्तुशास्त्रानुसार तयार करण्यात येणारा नाविन्यपूर्ण तसंच सौंदर्यपूर्ण प्रकल्प आहेच. परंतु या प्रोजेक्टचं लोकेशन ठाणे आणि डोंबिवली शहराला खूप जवळ आणत आहे. एलिव्हेटेड जो फ्लायओव्हर आहे तो देखील आम्ही करणार आहोत. कल्याण ते तळोजा मेट्रो देखील आम्ही म्हणजे डबल डेकर एक कंपोजिट प्लॅन केलेला आहे त्या प्रकल्पाचं, ते देखील आपण करतोय. मानकोली डोंबिवली हा खाडी पूल आहे तो देखील मग शॉर्टकट होऊन जाईल. डोंबिवली शहराची नव्याने ओळख निर्माण करणं, डोंबिवली ठाणे या दोन्ही शहरांना जवळ आणणं या मूळ हेतूने डोंबिवली वेस्ट हे सर्वोत्तम लोकेशन निवडून शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने कटिबद्ध असणाऱ्या स्वामीनारायण ग्रुपच्या आजपर्यंतच्या कार्याची दखल घेत TV9 मराठी त्यांना आयकॉनिक एक्सलन्स इन लोकेशन या कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार देऊन सन्मानित करत आहे. स्वामीनारायण ग्रुपचे चेअरमन सचिन पटेल सर. सर, कार्यक्रमात तुमचं स्वागत करते आणि सर्वात आधी TV9 मराठी कडून तुम्हाला जो पुरस्कार मिळालाय त्याबद्दल तुमचं खूप खूप अभिनंदन. धन्यवाद सर. ग्राहकांच्या मनात विश्वास निर्माण करणारा ग्रुप, सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातलं बजेट मधलं घर साकारणारा ग्रुप अशी आपल्या ग्रुपची ओळख आहे. तर ग्रुपची स्थापना कधी झाली आणि ग्रुपची आजपर्यंत जी वाटचाल आहे ती नेमकी कशी होती की जेणेकरून ग्रुप आत्मनिर्भर होण्यास मदत झाली, काय सांगाल? जय स्वामीनारायण. रियल एस्टेट सेक्टर की शुरुआत स्वामीनारायण ग्रुप ने जो की, हमने 2006 में हमारे ग्रुप की शुरुआत की रियल एस्टेट सेक्टर की. 2006 से हमने हमारे प्रोजेक्ट जो लाए वो हमने नवी मुंबई सेक्टर में लाए. नवी मुंबई में हमने हमारा पहला प्रोजेक्ट तलोजा, करंजड़े, द्रोणागिरी, नेरुल, कामोठे ये सारे सेक्टर्स में किए. हमने हमारे प्रोजेक्ट्स कल्याण डोंबिवली में भी हमने हमारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी किए. ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगभग हमने हमारे 2700 हैप्पी फैमिलीज़ को हमने उनका स्वप्न का घर दिया. मैं घर दिया वर्ड भी नहीं कहूँगा, लेकिन उनका स्वप्न हमने साकार करने की कोशिश की. हमने स्वप्न इसलिए बोलूँगा क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी खुद का आशियाना पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार लेता है, और वो एक बार जब लेता है तो पूरे जीवन की पूंजी और उसका सारा प्रयत्न लगाकर वो घर लेता है. तो जब इतनी कष्ट और इतनी पूंजी लगाने के बाद जब वो घर लेता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्वप्न, जो भी हम विसिनिटी में काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों की जो डिमांड है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है
उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम भी हमारा घर प्रोवाइड करने का हमारा जो उद्देश्य है वो कैसे कर सके, वही हमारा हमेशा उद्देश्य हम रखते हैं। सर, डोंबिवलीमध्ये घर घेण्याकडे ग्राहकांचा सध्या जास्त कल आहे, त्या अनुषंगाने अनेक प्रोजेक्ट डोंबिवली शहरात सध्या सुरू आहेत। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील रिअल इस्टेट मार्केटची सध्याची जी स्थिती आहे त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? कल्याण डोंबिवली की मार्केट कभी मंदी नहीं आई है, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि कल्याण डोंबिवली में हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा है और घर की डिमांड हमेशा बनी रही है। कल्याण डोंबिवली एक ऐसा शहर है जहाँ आज मुंबई से नज़दीक जोड़े जाने वाला कल्याण डोंबिवली एक पहला शहर है। यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी तो थी ही, लेकिन अब यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं और कल्याण डोंबिवली स्मार्ट सिटी के अंदर भी समाविष्ट किया गया हुआ शहर है। इसके कारण आज मुंबई बेस्ड डेवलपर्स भी कल्याण डोंबिवली में बड़ा इंटरेस्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आज मुंबई का कंप्लीट सेलिंग मार्केट शेयर के अंदर कल्याण डोंबिवली का बहुत बड़ा मार्केट शेयर बना है और इसी बड़े शेयर के कारण लगभग बड़े बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स यहाँ पर खुद का इंटरेस्ट बता रहे हैं और कर रहे हैं और उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कल्याण डोंबिवली के अंदर जो डोंबिवली वेस्ट को खास मैं बताऊँगा कि वहाँ से जो थाने मनकोली ब्रिज कनेक्ट हो रहा है जिसके कारण थाने से लेके मुंबई तक काफ़ी जल्द ही आदमी खुद का सफ़र और आरामदायक सफ़र कर सकता है और उसी के कारण डोंबिवली वेस्ट और वो लोकेशन से काफ़ी नज़दीक की कनेक्टिविटी फ्यूचर में होने वाली है, जिससे और भी मुंबई बेस्ड लोग भी कल्याण डोंबिवली की मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, म्हणजे एकंदरीतच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील रिअल इस्टेटची सध्याची स्थिती आहे ती खूपच चांगली आहे। जी, जसं की तुम्ही सांगितलं त्यावरून आत्ता आम्हाला जे प्रेक्षक बघतायत त्यांना मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं की जर तुम्ही डोंबिवली शहरात रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्ट करायच्या विचारात असाल तर तुमचा हा विचार तुम्हाला भविष्यात खूप फायद्याचा ठरू शकतो। सर, मी परत ग्रुपवर येते, स्वामीनारायण ग्रुप। सर, ग्रुपची स्थापना ते आजपर्यंत समाधानकारक किंवा प्राऊड फील होतील असे अनेक प्रोजेक्ट आपण साकारलेत। स्वामीनारायण सिटी हा प्रोजेक्ट डोंबिवली वेस्टमध्ये आहे, मग हा जर प्रोजेक्ट डोंबिवली वेस्टमध्ये आहे तर मग स्वामीनारायण सिटी नियो थाने ही संकल्पना नेमकी काय आहे? जी, हमारा प्रोजेक्ट स्वामीनारायण सिटी डोंबिवली वेस्ट में है और स्टेशन से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन नियो थाने रखने का जो रीज़न था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डोंबिवली वालों का हमेशा स्वप्न रहा है कि उन्हें थाना में शिफ्ट होने का हमेशा उनका स्वप्न रहा है, तो हमारे जो लोकेशन है स्वामीनारायण सिटी, यहाँ से एक ब्रिज जो अप्रैल में उद्घाटन होने जा रहा है जिसके कारण यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी और आरामदायक होने वाली है, जिसके कारण यहाँ से आप विवियाना मॉल 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे और 15 से 20 मिनट में विवियाना मॉल पहुँचने के कारण आप थाने के स्टेशन से घोड़बंदर आप ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन थाने स्टेशन से आप यहाँ जल्द पहुँच पाओगे और यहाँ पर थाने में जो अच्छी अच्छी नामांकित स्कूल है और सारी सुई सुविधा है वो सारी सुविधा हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम लाने के पूरे प्रयत्न कर रहे हैं और इसको नया कुछ रूप देने का हम हमारी कोशिश कर रहे हैं और इसी नए रूप के कारण हम हमारे प्रोजेक्ट को जो नियो थाने ये नाम हमने रखने के लिए हमने सोचा हमने नियो थाने के लिए। सर, घर घ्यायचं म्हटलं की प्रत्येकालाच उत्सुकता असते, ती ॲम्युनिटीज काय असतील ह्याची? तर इतर बांधकाम व्यावसायिकांच्या दृष्टीने जर विचार केला तर तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टचं नेमकं काय वेगळेपण जपलं आहे, काय ॲम्युनिटीज आहेत किंवा काय विशेष USPs आहेत? सबसे इम्पॉर्टंट जो है अगर जो मैं बोलूँ तो घर जब लेने निकलते हैं सबसे मुख्य मुद्दा है वो है लोकेशन और कनेक्टिविटी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। तो हमने ये मार्केट का काफ़ी हमने सर्वे किया, स्टडी किया हमने और हमने लोगों को क्या चाहिए वो सोचा, हम क्या बना रहे वो हम उस चीज़ पे नहीं गए, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है हमने उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट और हमारा लोकेशन हमने जो सिलेक्ट किया था तो उस हिसाब से एक्चुअली लोगों को खुद के बजट के अंदर लेने के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, जैसे कि उनको लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, उनको अच्छे वातावरण में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, उनको फ्लैट के साइज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, तो ये सारे प्रश्न और लोगों के कॉम्प्रोमाइज़
जो करने के लिए प्रॉब्लम्स थे, वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करके हमने हमारे स्वामीनारायण सिटी प्रोजेक्ट के अंदर हमने ऐसा प्रोडक्ट लाने की हमारी तैयारी दिखाई। सेकंड चीज़, जैसे मैंने बताया कि लोकेशन और कनेक्टिविटी एक पहला मुख्य मुद्दा है लोगों को फ्लैट खरीदने के लिए, वैसा ही हर माता पिता को बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और अच्छा एजुकेशन और अच्छे संस्कार, ये हमेशा उनका उद्देश्य रहता है। तो इसी के कारण हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया, लोकेशन कनेक्टिविटी के साथ साथ ही हमारे यहाँ पे अच्छी स्कूल, जो थाना की नामांकित स्कूल है और आज फिलहाल वो इंडिया के अंदर नंबर वन अवार्ड करके भी दी गई है, वैसी स्कूल जो काफ़ी फेमस है, जो आपको पता ही है, सिंगानिया इंटरनेशनल स्कूल, जो जिन्होंने हमारे स्वामीनारायण सिटी लोकेशन को चॉइस किया है और वो यहाँ पर आ रही है स्कूल। और यहाँ पर स्वामीनारायण सिटी के अंदर ही स्वामीनारायण ट्रस्ट बड़ा हिंदू मंदिर भी लाने का उनका प्रस्ताव है, जिसके कारण हिंदू मंदिर आने के कारण यहाँ पर अच्छे संस्कार और पवित्रमय वातावरण होगा। वातावरण तो यहाँ भी, यहाँ की एयर इंडेक्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो पोल्यूशन फ्री वातावरण लोगों को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा दूसरी जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको काफ़ी लंबा लोकेशन उनको सिलेक्ट करना पड़ता था, जिसके कारण उनका काफ़ी कीमती समय, जो फैमिली को देने वाला कीमती समय उनका वेस्ट होता था। और खाली कीमती समय भी वेस्ट नहीं होता था मैं बोलूँगा, क्योंकि एक्चुअली एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी उनके काफ़ी, क्योंकि एक फैमिली के अंदर जो 5 मेंबर्स भी रहेंगे तो उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और कीमती समय, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। अभी आप पूछेंगे एमिनिटीज़, तो एमिनिटीज़ में तो हमने कोई कमी है ही नहीं हमारे प्रोजेक्ट में, सारी एमिनिटीज़ और सारे लैंडस्केपिंग से लेके गार्डन एरिया से लेके सारी एमिनिटीज़ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, गेस्ट रूम, मेडिटेशन रूम, यानी ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें हमने जो लोगों को चाहिए वो सारी सुविधा हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान में रखते हुए हमने हमारी डिज़ाइन की है। एमिनिटीज सांगताना सरांनी ज्या सिंगानिया ग्रुपचा उल्लेख केला, त्या सिंगानिया ग्रुपनी शाळा उभारण्यासाठी स्वामीनारायण सिटी नियोठाणेची निवड का केली जाणून घेऊयात। नमस्कार, आय एम डॉक्टर रेवती श्रीनिवासन, द डिरेक्टर ऑफ द सिंगानिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आय एम रिअली हॅपी टू अनाउन्स दॅट वी आर कमिंग अप विथ अ न्यू स्कूल इन डोंबिवली वेस्ट इन द वास्ट स्वामीनारायण सिटी। वी विल बी स्टार्टिंग इट दिस इयर and the school is going to be called Gautam Singhania Global School, Dombivli West. It will be having classes from kindergarten to grade 2. We want to provide quality education to all the children in this area. And we look forward to having you all. Thank you. सर, घर घ्यायचं म्हटलं की amenities हा विषय जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच महत्त्वाचा विषय असतो कनेक्टिविटी। तर मग स्वामीनारायण सिटी नियो ठाणे हा प्रोजेक्ट साकारण्यासाठी तुम्ही डोंबिवली शहराची निवड का केलीत, काय सांगाल? आपकी बिल्कुल सही बात है, लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है घर खरीदारी के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा और सबसे महत्व का मुद्दा अगर जो मैं बोल सकता हूँ तो वो है लोकेशन। आपकी बात बिल्कुल सही है, लोकेशन हमने डोंबिवली, अभी आप बोलेंगे कि डोंबिवली की जो पहले हद थी हमारी, तो हम मान पड़ा था कि हम डोंबिवली बोलते थे। आज डोंबिवली का फैलावा इतना लंबे तक हो गया है कि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर आगे भी इसको डोंबिवली बोला जाता है, लेकिन लोगों को जो लोकेशन पे हर रोज़ आना है 4 से 5 बार, क्योंकि उनको मार्केट तो आना ही है, उनको रेलवे स्टेशन तो आना ही है, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट की सारी ऑफिसेस में आना ही है, तो हमने ये सोचा कि हम लंबे लोकेशन से अच्छा हम क्यों ना ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करें जो लोकेशन में जो लोगों को हर रोज़ आना है, वही लोकेशन में हम हमारे प्रोजेक्ट की क्यों सिलेक्शन ना कीजिए। तो इसीलिए हमने डोंबिवली वेस्ट, हमारा स्वामीनारायण सिटी, ये लोकेशन की हमने सिलेक्शन की। अब ये लोकेशन की आपको मैं कनेक्टिविटी के बारे में बताऊँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट मुंबई, मुंबई बोले तो रेलवे, रेलवे बहुत महत्व का मुद्दा है मुंबई के लिए, क्योंकि हर फैमिली के अंदर 70-80% लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो रेलवे स्टेशन तो कंपलसरी लोगों को जाना ही जाना है। तो हमारा जो लोकेशन है वो डोंबिवली रेलवे स्टेशन से खाली 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, यानी 5 मिनट की दूरी पे आप हमारे प्रोजेक्ट के आप पहुंच सकते हो। सेकंड चीज़, कोपर स्टेशन, 2 मिनट की दूरी पे है,
यानी 0.75 किलोमीटर की दूरी पे मेरा कोपर स्टेशन है। नव डोंबिवली रेलवे स्टेशन जो प्रस्तावित होने जा रहा है जो एक मिनट की दूरी पे है, तो तीन तीन रेलवे स्टेशन मेरे प्रोजेक्ट के नज़दीक है। तो मुंबई के लिए, जो मुंबई के लोगों के लिए जो रेलवे एक अहम मुद्दा और अहम ट्रैवल सोर्स है, तो वो सोर्स से हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी नज़दीक है। सेकंड आता हूँ मैं आपको रोड कनेक्टिविटी के ऊपर। रोड कनेक्टिविटी के अंदर अगर जो आप हमारा लोकेशन देखोगे तो मेरे लोकेशन से थाने विवियानामोला 15 से 20 मिनट में पहुंच पाओगे। तो कैसे, तो अप्रैल के अंदर वो ब्रिज की ओपनिंग होने जा रही है, जो ब्रिज का काम 90-95% पूरा हो चुका है, जिसके कारण ये मेरे स्वामीनारायण सिटी लोकेशन से विवियाना मॉल खाली 15-20 मिनट्स पहुंच पाओगे। और वहां से ही नासिक समृद्धि महामार्ग, जो नासिक समृद्धि महामार्ग का बेनिफिट भी मेरे प्रोजेक्ट से इस ब्रिज के द्वारा मिल जाएगा। सेकंड कनेक्टिविटी आती है रिंग रोड। मेरे ही प्रोजेक्ट के अंदर से 150 फीट का रिंग रोड जा रहा है। वो रिंग रोड के माध्यम से लेफ्ट साइड के अंदर आप जाओगे तो वो रिंग रोड के माध्यम से आप कटाई नाका से होके आयरोली फ्रीवे 20 मिनट में पहुंच पाओगे। तो थाने भी 20 मिनट हो जाएगा, आयरोली भी 20 मिनट हो जाएगा। उसके बाद आप अगर जो दुर्गाड़ी जाना चाहोगे यानी कल्याण की ओर जाना चाहोगे तो 5 मिनट के अंदर ये रिंग रोड के माध्यम से आप पहुँच पाओगे। तो सिटी की जो ट्रैफिक के अंदर से लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस दोनों रिंग रूट के कारण आप इजीली रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से आप जोड़े जाओगे। थर्ड कनेक्टिविटी आती है वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारे प्रोजेक्ट के खूब निकट ही फेरी स्टेशन आ रहा है। वो फेरी स्टेशन के अंदर आपको मीरा भाईंदर के द्वारा, आप फेरी के द्वारा मीरा भाईंदर आप 30-35 मिनट्स में मीरा भाईंदर तक पहुँच पाओगे। तो आज मेरी रेलवे कनेक्टिविटी हुई, वाटर कनेक्टिविटी हुई और रोड कनेक्टिविटी हुई, तो तीनों ट्रांसपोर्ट हमारे प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का कनेक्टिविटी के अंदर कोई तोड़ी नहीं है, इसीलिए मैं कहूँगा यही है कनेक्टिविटी, यही है स्वामीनारायण सिटी। नक्कीच सर, प्राइम लोकेशन असणारं डोंबिवली शहर कनेक्टिविटीच्या दृष्टीनेही झपाट्याने विकसित होत आहे, ते नेमकं कसं जाणून घेऊया। डोंबिवली एक महाराष्ट्राची सांस्कृतिक उपराजधानी असं म्हटलं जातं आणि डोंबिवलीच्या कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने आज डोंबिवलीच्या जे स्टेशन्स आहेत त्याच्यावरती जवळजवळ 3.5 लाख लोक रोज मुंबईला ट्रॅव्हल करत असतात। मागच्या काळामध्ये डोंबिवलीमधून ट्रॅव्हल करण्यासाठी फक्त एकच ऑप्शन होतं, जे म्हणजे रेल्वे आहे। परंतु आता गेल्या 10 वर्षामध्ये डोंबिवलीमध्ये आमूलाग्र बदल झालेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात कनेक्टिव्हिटीचे प्रोजेक्ट्स MMRDC असेल, MSRDC असेल, या शासकीय योजनांच्या माध्यमातून डोंबिवलीमध्ये मोठे प्रोजेक्ट्स आलेले आहेत। त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा जो डोंबिवलीचा गेम चेंजर प्रोजेक्ट जो ठरणार आहे तो म्हणजे मोठागाव मानकुली ब्रिज आहे। या ब्रिजच्या माध्यमातून डोंबिवलीची जी कनेक्टिव्हिटी आहे ती मुंबईशी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे आणि त्याचबरोबर ठाण्यासारखं जे शहर आहे ते डोंबिवलीशी जोडलं जाणार आहे। त्याचबरोबर डोंबिवलीमध्ये नवीन पद्धतीची मेट्रो येते, म्हणजे मोठागावपासून जे मानकुली ब्रिज आहे याच्यापासून लोक आल्यानंतर डोंबिवली ते तळोजा अशी एक मेट्रो आपण नवीन या माध्यमातून आपण डोंबिवलीमध्ये आणतो। तर विशेषतः डोंबिवलीच्या कनेक्टिव्हिटीकडे बघताना अनेक नवीन मार्ग डोंबिवलीसाठी उघडत आहेत आणि त्या घर घ्यायचं असेल एखाद्या माणसाला तर डोंबिवली हे सगळ्यात चांगलं ऑप्शन येत्या काळामध्ये असू शकतं असं मला वाटतं। सर, एकंदरीतच ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून सर्व सोयी सुविधांनी युक्त असा हा प्रोजेक्ट आपण लॉन्च केलेला आहे। आता सध्या आपल्याला जे प्रेक्षक पाहत आहेत, जे त्यांच्या स्वप्नातल्या घराच्या शोधात आहेत, त्या प्रेक्षकांना तुम्ही काय आवाहन करू इच्छिता? जी, हमारे प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है इसी के अंदर हमें कस्टमर को घर खरीदने के 5 मुख्य कारण है, जिसमें कस्टमर को कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आ गया हमारा लोकेशन, तो लोकेशन में कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड आ गया पोल्यूशन फ्री वातावरण, तो वातावरण में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर को। थर्ड आ जाता है कस्टमर को फ्लैट की साइज़, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नॉर्मली कस्टमर खुद के गणित के अंदर फ्लैट खरीदने के लिए वो फ्लैट की साइज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन हमने ऐसे फ्लैट की डिज़ाइन की है जिसके अंदर उसको स्पेशियस लिविंग साइज़, स्पेशियस बेड साइज़ सारी चीज़ें, तो उनको खुद के रहने के घर के साइज़ के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। फोर्थ चीज़ आ जाती है एजुकेशन।
तो एजुकेशन सिटी के अंदर तो एजुकेशन फैसिलिटी है, लेकिन हम टॉप मोस्ट एजुकेशन जैसे मैंने बताया तो एजुकेशन सिंगानिया जैसे स्कूल के कारण एजुकेशन के अंदर उनको बेस्ट सुविधा मिलेगी, जिसमें उनको एजुकेशन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मेरे जो 5 महत्व के मुद्दे हैं, जिसके अंदर कस्टमर को स्ट्रॉन्ग रीज़न में बोल सकता हूँ कि कस्टमर को हमारे स्वामीनारायण सिटी के ये नियो थाने प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करनी चाहिए। नक्कीच सर, तुम्ही ग्रुपबद्दल आणि स्वामीनारायण सिटी नियो ठाणे ह्या प्रोजेक्टबद्दल आम्हाला इतकी छान माहिती सांगितली, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार आणि ग्रुपच्या पुढील वाटचालीसाठी TV9 मराठीकडून खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। तर मंडळी, तुमच्या मनातील घराच्या कल्पनेला स्वामीनारायण सिटी ग्रुपच्या कलेचा स्पर्श झाला की त्यातून साकारतंय तुमच्या स्वप्नातलं, तुमच्या हक्काचं आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या बजेटमधलं घर। मग वाट कसली पाहताय? आजच या प्रोजेक्टला भेट द्या आणि तुमच्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा। स्वीट होममध्ये आज इथेच थांबते, पुन्हा भेटू एका नवीन प्रोजेक्टसह। तोपर्यंत नमस्कार।